Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we're going to do International Relations PT365 Part 2 provided by Vision IS. The timeline is as follows. I've already uploaded Part 1. So please see that video before you start this one. Part 2 is being uploaded today on Friday. That is the 14th and Part 3 will be uploaded on Monday. That is 17th. Then I'll record social issues on Sunday the 23rd. So you will see it on 24th. So then both IR and social issues will be done. Okay. Now, before you start this video, before I start teaching you, you would need some things. Firstly, you would again, I'm telling you, please watch part one. Here I had given a lot of context about India's neighborhood, what is happening, what is China doing, etc. etc. I'll put a link to that in the description. Please watch that first. Once you have an idea of what part one does, aapko ye the sources, other than that, you will need a printed or a digital PD365.

दीज आर रेलवे लाइन्स एंड कनेक्टिविटी लिंक्स एंड ब्रिजेज एक्सेट्रा तो हम चाह रहे हैं कि हमें एक ऑल्टरनेट एक्सेस रूट मिल जाए नॉर्थ ईस्ट के लिए तो दैट वुड बी बेटर फॉर आर सिक्योरिटी बांग्लादेश इज आवर नेबर एंड नेबरहुड फर्स्ट इज वन ऑफ द की कोर टेनेट्स ऑफ आर फॉरन पॉलिसी राइट तो अगर हमें बांग्लादेश से एक्सेस मिल जाए टू नॉर्थ ईस्ट इन केस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट वॉर विध चाइना वी विल स्टिल हैल्टरनेट एक्सेस टू वन ऑफ आर मोस्ट सिक्लूडेड तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बांग्लादेश से रिलेशनशिप अच्छा रहे ताकि वी आर गेटिंग एक्सेस टू देम ताकि वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम एंड बांग्लादेश ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ लार्जर इकॉनमी इंडिया हैज मोर प्रोडक्शन अ मच लार्जर जी तो सिंस बोथ इंटरेस्ट आर अलाइनिंग इसलिए इंडिया बांग्लादेश देख स्टार्ट साइनिंग पैक्ट्स तो अब देखते हैं क्या क्या साइन किया है फर्स्टली देर इज अ प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड इसमें बेसिकली मतलब क्या है कि इंडियन वेसल्स जो इंडिया की जो वेसल्स हैं दे कैन ट्रांजिट थ्रू सर्टन पोर्ट्स ऑफ बंग्लादेश मतलब वो वहाँ से निकल सकती है द सेकेंड अटेंडेंट टू द प्रोटोकॉल इट इंक्लूड्स टू न्यू रूट नाउ दिस हैस्ट रीड अगर वहाँ आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना है डोंट ट्राई मगिंग द साब बिकॉज बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होगी इफ़ यू हैव द कॉन्टेक्स वॉट आर ट्राइंग टू डू वे ट्राइन टू मेक अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद बांग्लादेश थ्रू लैंड थ्रू सी एयर की तो चलो जरूरत नहीं है बिकॉज एयर कॉरिडोर्स डोंट नीड एक्सेस एंड अग्रीमेंट्स बट फ्रॉम लैंड एंड सी वे ट्राइंग टू मेक

एंड इंडिया को क्या मिल रहा है इंडिया को मिल रहा है दट बंग्लाश इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इथ्स एनर्जी सो इंडिया को एक्सेस मिल रही है टू इट्स नॉर्थ ईस्ट अब देखो बिकॉज वी वॉन्ट नॉर्थ ईस्ट एक्सेस वी आर मेकिंग रेलवे लिंक्स बिटवीन चीला हाथी एंड हल्दीबारी चीला हाथी इज इन बांग्लादेश हल्दीबारी इज इन इंडिया देन देर इज फेनी ब्रिज ऑन द फेनी रिवर दैट कनेक्ट्स त्रिपुरा एंड बांग्लादेश देन चाटोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स आर यूज बाई इंडिया फॉर अगेन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड देर इज अगरतला अखाड़ा रेल लिंक ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैप पे दिखाता हूँ अदर देन दैट अब अगर इंटीग्रेशन हमारी ट्रांसपोर्ट में हो रही है एनर्जी में हो रही है सो वाई स्टॉप देयर सो वी ऑल्सो हैव अग्रीमेंट्स लाइक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट अब सीई क्या होता है एग्जैक्टली एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सीई सी दिस आई विल एक्सपेक्ट दैट आप इकोनॉमी से रिवाइज करोगे ये हर इकोनॉमी की बुक में दिया है बट वॉट वी आर डूइंग विद सी

बॉर्डर विद इंडिया ओके इंडिया के जितने भी बॉर्डर है फोर जीरो कौन कौन से स्टेट्स हैं आसाम वेस्ट बंगाल मिज़ोरम, मेघालय त्रिपुरा मैप आसाम मेघालय त्रिपुरा वेस्ट बेंगाल इंडिया इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश वीन्स दट बांग्लादेश का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया है इन साउथ एशिया बट इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इज नॉट बांग्लादेश इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश 18 बिलियन का हमारा ट्रेड अग्रीमेंट है एंड वी आर ऑल्सो अगेन वी वॉन्ट कनेक्टिविटी एंड वी वॉन्ट बंग्लादेशर हिस्टोरिकली बंगलादेशल्ड ईस्ट पाकिस्तान इंडिया ने इसको फ्री करायाज अस्टोरिकल टाई इन द रिलेशनशिप ऑल्सो

some of the regions BBIN is Bangladesh, Bhutan, India and Nepal. Again, this is a connectivity project to connect these regions see Bangladesh, Bhutan, India and Nepal up connect karo so that we have better connectivity in these regions and better connectivity leads A to better trade B to more tourism थर्डली ऑफकोर्स टू इंडियास इन द नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी से तीनों चीजों का हमें फायदा होता है सो वी कीप इन्वेस्टिंग इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अब एक दो चीजें हम यहाँ पे और याद करेंगे जैसे सार्क और बीमस्टेक यहाँ पे मैं हो गया तो हम सार्क और बीमस्टेक के मेंबर्स याद कर लेते हैं एंड देन लेट मी शो यू समीस कनेक्टिविटी लिंक्स ऑन द मैप ओके सो लेट सी समय बॉर्डर कंट्रीज का बॉर्डर इंडिया का किन किन से है और बॉर्डर किस ऑर्डर में है राइट सो बांग्लादेश लार्जेस्ट बॉर्डर

अब सार्क की बात हुई थी तो सार्क कंट्रीज हम कैसे याद करेंगे विल यूज द निमोनिक पेन करने में मुझे काफी पेन सहनी पड़ी थी सो विल जस्ट रिमेंबर देयर एम एम से Maldives, अब वाइज में M ही मैंने क्यों हाईलाइट किया बिकॉज म्यांमार नहीं है एम इज मॉलडीव एंड दिस इज वॉट यू विल मार्क रॉन्ग एम एम बी बी एस पेन आप याद करोगे और एम से आपको हमेशा म्यांमार ही याद आएगा तो यहाँ पे आप ये जरूर याद करना कि मॉल नहीं है और साइड में अपने निमोनिक में एवर यू मेकिंग नोट्स जस्ट राइटमार इज नॉट पार्ट ऑफ सार्थ मॉलिव हैंग्लादेश एस से श्रीलंका ए से अफगानिस्तान आई से इंडिया एन से नेपाल देन बीमस्टेक बीमस्टेक में भी बांग्लादेश इज अ पार्ट तो इसको भी याद कर लेते हैं बीमस्टेक है बीमस्टेक भूलना नहीं राइट फॉर दो अंडरस्टैंड इन दी भूलना नहीं मीन्स डोंट फॉर गेट सो बीमस्टेक बी से बांग्लादेश आई से इंडिया एम से म्यांमार अब यहाँ अगेन आई एम हाईलाइटिंग एम बिकॉजेक में म्यांमार एंड नॉट मॉल डीव तो ये कंफ्यूजन होगी तो ये आपको चीजें याद रखनी होती है फिल्म से पहले अगेन एस से श्रीलंका से थाईलैंड भूलना में भू स्टैंड फॉर भूटान एंड नहीं में एम स्टैंड फॉर नेपाल सो वे डन विथ थ्री थिंग्स के मेंबर्स बीम्स्टेक के मेंबर्स इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स आर एंड नाउ विल सी वॉट आर कनेक्टिविटी लिंक आर विद बांग्लादेश देखो सारे आप याद कर नहीं पाओगे ना सारे याद करने हैं जस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर बिल्डिंग कनेक्टिविटी विद देम तो आपको आइडिया हो जाएगा इफ एनीथिंग इज आज तो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट तो आई थिंक इट विल बी बीजियर तो देखो ये हल्दीवारी चीला हाटी लिंक है देन दिस इज खुलना लिंक टू द कोलकाता ढाका रेल लिंक उसमें ही ऐड किया है देन देयर इज अगरतला अखवारा रेल लिंक और चाटोग्राम पोर्ट इज बिंग यूज बाय इंडिया मंगला पोर्ट दैट इज ऑल्सो बिंग यूज बाय इंडिया एंड एज यू कैन सी देर आर मेनी मेनी रीजन बेट कनेक्टिविटी वी आर डूइंग ताकि वी गेट एन ऑल्टरनेट एक्सेस रूट एंड वी स्टॉप चाइनाज इन्फ्लुएंस इन आर नेबर हुआ देखा था कि चाइना यूजिंग समथिंग डिप्लोमसी यूजिंग समथिंग ज एंटरिंग आर नीबर रोड तो उसको स्टॉप करने के लिए इंडिया चाहता है कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए तो बंग्लादेश को चाइना के पास ना जाना पड़े इंडिया से पैसे लेने लोग भी इंडिया से पैसे लेना चाहते हैं बिकॉज इंडिया डज नॉट है डेट फॉर इक्विटी इंडिया वॉन्स इंडिया से पैसे ले बिकॉज द रिलेशनशिप विल बिकम बेटर एंड इन केस देर इज अ वॉर वी विल है Now, एक और चीज पे आइडली विजन वालों को करनी थी, Bangladesh. Bangladesh तभी हमने देखा था पीछे एक डीजल की पाइपलाइन भी हमने उनके साथ बनाई थी तो रूपुर इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बांग्लादेश दट हेज बिन मेड बाई इंडिया एंड रशिया कम्बाइंड तो इंडिया एंड रशिया हैदेश बिल्ड दिस पावर प्लांट इसलिए कहते हैं कि इंडिया एंड रशिया दे आर हिस्टोरिकल पार्टनर बहुत और रीजन भी हैं बट दिस इज वन ऑफ द दैट शो दैट वी आर सो क्लोज टू दैम दैट वी आर लाइक कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग विद रशिया इन अ थर्ड कंट्री दैट इज बाई वैन रशिया यूक्रेन वॉर हैज कम आउट इंडिया हैज हेजिटेटेड फ्रॉम डायरेक्टली कंडेमिंग दम बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल रिलेशनशिप एंड दिस इज वन ऑफ फेसेट्स तो हमें अभी तक क्या समझ आया कि हमें कनेक्टिविटी लिंक्स चाहिए उनके हमने नाम देख लिए ऑर्गेनाइजेशन के मेबर्स देख लिए

रेलवे लाइन तो अब देखो ये सारे तो हमें याद नहीं हो पाएंगे बट तो बार रीड करके जाएंगे and that would be fine. Then there is पावर प्लांट ताकि चाइनीज डिपेंडेंस ना हो एंड वी आर फॉलोइंग आर पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट अगर आप याद करो मैत्री से यू कैन ऑल्सो रिमेंबर मैत्री प्रोग्राम तो वैक्सीन मैत्री में हमने क्या किया था वी गेव वैक्सीन टू आर नीबरिंग कंट्रीज फर्स्ट राइट इट इज द सेम थिंग राइट ओके अंडर दिसल फाइनेंसिंग स्कीम यह होता क्या है वो अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकें एंडन रिलाई ऑन इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जो ये डेवलपिंग या लीस डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इमिडिएटली इतना पैसा नहीं होता सो दे रिक्वायर्ड लोन्स इंडिया वंस डिट दे टेक द लोन्स फ्रॉम अस सो दिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स So, we have been supporting Indian entities bidding for strategically important infrastructure projects abroad. This is a part of the Indian Developmental Assistance. This is done by the Ministry of External Affairs. Okay. We're done with India Bangladesh. Now, let's move on to the second thing of India Nepal. Again, India Nepal, same context is there that China is right here on the border. This is Nepal and this is India. So, Nepal sort of acts like a buffer state for us. तो so, अगर हम नेपाल में इन्वेस्ट करें अगर हम नेपाल के लोगों के साथ वी कैन एस्टैब्लिश पीपल टू पीपल टाइज कल्चरल टाइज मिलिट्री रिलेशनशिप्स ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक टाइज व्हाट वुड दैट लीड टू दैट वुड लीड टू चाइना नॉट एंटरिंग आर डायरेक्ट बॉर्डर एंड नॉट बी प्रेजेंट इन आर नेबरहुड डायरेक्टली अगर हमारे नेपाल के साथ टाइज अच्छे होंगे वी कैन यूज दम एज अ बफर स्टेट विद चाइना एंड ऑफकोर्स हेल्दी स्टेबल नेबरहुड इज ऑलवेज गुड फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड सिक्योरिटी सो अब हम देखते हैं कि अब हमने नेपाल के साथ क्या किया है अगेन द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन जो लास्ट टाइम समझाया था कनेक्टिविटी इज गोइंग टू बी बिल्ड ट्रांसपोर्ट लिंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक लिंक्स मिलिट्री प्रोजेक्ट्स तो हम नेपाल के साथ क्या क्या करते हैं हमें कंटेक्ट समझ आ गया अब हम समझते हैं देर इज अ जयनगर इन बिहार टू खुर्ता इन नेपाल दिस इज अ पैसेंजर रेलवे लिंक टू इंश्योर दैट पैसेंजर्स कैन ट्रेवल वन साइड इन अदर इससे फायदा क्या होगा इससे टूरिज्म बढ़ेगा राइट right? अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो बोथ कंट्रीज विल डेलप बेटर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एंड वी विल ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम इट तो ये एक चीज है देन फॉर पावर पावर अगेन दीज कंट्रीज इन साउथ एशिया एक्सेप्ट इंडिया दे आर यूजअली पावर डेफिशेंट बट इंडिया एक पावर सरप्लस कंट्री है तो so, इंडिया बहुत हेल्प करता है इन कंट्रीज की इन टर्म्स ऑफ पावर एंड यू नो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे हमने रूपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा बांग्लादेश में जैसे हमने वी सॉ दी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टिंग डीजल टू बांग्लादेश सो ऑल ऑफ दैट इज डन

पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अब आपको याद करना यू नीड टू नो पंच्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज इन नेपाल पावर वॉज द फर्स्ट थिंगक्टिविटी कनेक्टिविटी में जैसे हम बांग्लादेश के साथ कर रहे थे सिमिलरली हेयर वी हैव बिल्ड अ ब्रिज ओवर द रिवर मेशी नेपाल हैज ऑल्सो ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिस इज अनिशियटिव बाय इंडिया एंड इंडिया रूपे कार्ड This has now started working in Nepal. It is also working in Bhutan, in Singapore and UAE. UPI is also now working in Singapore. So this thing is a little bit, this time UPI or This is also a previous year question from 2016. So please revise this well from economy. Now, what are the other developments? there is a concept called soft power. Sari power or all relationships don't happen in terms of economy. They don't happen in terms of military aid, etc. रोटी बेटी का नाता है सो दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन सॉफ्ट पावर ऑन पीपल टू पीपल कनेक्ट ऑन कल्चरल टाइज जैसे बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज राइट जैसे सिटीज लाइक लुम्बिनी दे आर इन नेपाल राइट तो लुम्बिनी एज यू नो इज कनेक्टेड विद लॉर्ड बुद्धा जी तो इसमें वी कैन बिल्ड सॉफ्ट पावर एंड वी कैन बिल्ड कल्चरल कनेक्ट तो ये भी भी इंडिया कहा जाता है लास्ट टाइम आपको बताया था कि चाइना हैज डेवलपमेंटल पावर चाइना हैज हैज चेकबुक डिप्लोमेसी बट इंडिया सॉफ्ट पावर ये लास्ट लेक्चर में हमने समझा था तो अब ये उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है वी हैव मेड दिस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस कल्चर एंड हेरिटेज इन नेपाल सिस्टर सिटी रिलेशनशिप है लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस शीनगर वेरी वॉज द प्लेस वेरी अचीव महापरिनिर्वाणा डेथ नहीं लिखना चाहिए दिस इज द प्लेस वेरी अचीव महापरिनिर्वाणाण दीज थिंग्स आर नाउ लिंक लुम्बिनी एंड कुशीनगर आर नाउ लिंक्स टूरिस्ट आएगा एंड ही कल्चर तो ही वुड वॉन्ट टू गो टू ने कनेक्टेड प्रोजेक्ट इन दिस रीजन दैन देर इज दप्त कोसी डैम प्रोजेक्ट राइट सो इंडिया एंड नेपाल अग्री टू टेकर्ड दिसम प्रोजेक्ट राइट right? और भी अब देखो फिल्म के लिए जस्ट नीड टू रिमेंबर डैम प्रोजेक्ट इज इन नेपाल यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द महाकाली ट्रीटी महाकाली ट्रीटी इज द रिवर दैट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल लास्ट ईयर इसमें कोई डिस्प्यूट uh, भी हो गया था रिगार्डिंग सींग दैट काली रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है एक्सेट्रा देन देर इज द अपर करनाली प्रोजेक्ट द अरुण थ्री प्रोजेक्ट राइट तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये प्रोजेक्ट्स नेपाल में हैं इसके अलावा जो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट है दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट इन नेपाल एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक्चुअली वेस्ट सेती बाय चाइना एंड देन हैंडेड ओवर टू इंडिया राइट तो नाउ आई थिंक इफ यू हैव सीन द लास्ट लेक्चर यू कैन रिलेट कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वेस्ट सेती प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट नाउ बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन ये अगर आप एनवायरमेंट का कोर्स देख रहे हो तो आपको वैसे ही पता होगा बट अदरवाइज इफ यू रियलाइज दैट इज लिमिटेड बाय बॉर्डर्स राइट बायोडाइवर्सिटी बॉर्डर्स तो हमने क्या किया है ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं नेपाल के साथ इज अ चंगा कंजर्वेशन एरिया राइट इंडिया तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर्स पे लगता है जहां पे वी हैव टू कंजर्व स्पीशीज एंड National borders are not made are only things that are made by humans. They are not something that animals understand the conservation area may we are going for protected areas in India protected areas in Tibet and protected areas in Nepal together. Then there is a Terai Arc landscape. Now, if you know this, I have taught this in my environment course. Tell me why Terai has so much biodiversity. You can answer that in the comments. Right? So Terai Arc landscape kya hai? that Indian states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and the low-lying hills of Nepal दे आर पार्ट ऑफ अर जोग्रफी तो यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड कंजर्वेशन की स्कोप uh, है सीक्रेट हिमालय लैंडस्केप राइटर इज नेपाल सिक्किम एंड भूटान राइट सो दीज कंट्रीज एनी वे आर कोऑपरेटिंग हमने बीबीआईन देखा था हमने सार्क देखा था तो उसमें यू कैन ऑल्सो एड बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन नाउ नेपाल के साथ वॉट वी हैव दिस इज समिंग नॉट एडेड इन पी टी सिक्सटी फाइव बट आईव एडेड बाई माई सेल्फ नेपाल के साथ पीस एंड फ्रेंडशिप Now, what this Treaty of Peace and Friendship does? It was signed in 1950 in Sri Jawaharlal Nehru's time. Here, what is established that there is an open border that people can cross over to Nepal and Nepalese citizens can come to India without any requirement of visa. Secondly, we have the idea of national treatment that we will treat Nepalese citizens as if they are our own nationals. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी वॉज अ रियल विजनरी एंड ही अंडरस्टूड नीड टू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद नेपाल बट हुआ क्या देर वॉज अ मधेसी क्राइसिस मधेसी आर प्लेन लिविंग पीपल नाउ इंडियंस आर वेरी क्लोज टू मधेसीज बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट मधेसीज हैव इंडियन ओरिजिन तो नेपलीज गवर्नमेंट इन ट्वेंटी

एक्शन ले रही थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन रिस्पॉन्स क्या किया वी इम्पोज अड ऑन नेपाल अब नेपाल इंडिया पर बहुत डिपेंडेंट था फॉर फूड फॉर सप्लाई फॉर फर्टिलाइजर फॉर फ्यूल एक्सेट्रा बट वी इम्पोज बो दिस नेपाल गोइंग क्लोज टू चाइना नाउ दिस इज वाइडली रिगार्डेड इज वन ऑफ इंडिया स्ट्रेटिजिक मिस्टेक्स इम्पोजिंग दैट ब्लॉकेट बट ठीक है अब जो हो गया वो हो गया सो नाउ वॉट दैट लेट टू इन ट्वेंटी राइट जब हमने ये ब्लॉकेट इम्पोज किया After some time that blockade was removed, but that gave Nepal insecurity. Nepal ko laga yaar, India is maybe not a reliable partner. This is not the right idea. China is much more unreliable than India. But you can understand how these things work. So, what happened in 2016? Nepal joined the Belt and Road Initiative. This we let last time. This is the restarting of the Silk Route and the maritime Silk Route that China is doing. This may have string of pearls air bases. Dekhe the. In 2016, they also did their first ever joint military exercise with China. They started increasing the connectivity with China. Now, one organization is Quad. Quad is said to be India's. It is said that Quad is India's answer to China. It is composed of four countries: Australia, Japan, USA, and India. And since they, if you join those two, it forms a and those four, it becomes a quadrilateral. It this organization is called the Quad. रिलेशनशिप में तब पढ़ाऊंगा मिलिट्री कम्पोनेट बट चाइना अंडरस्टैंड चाइना इज वेरी 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 ऑफ द क्वार बिकमिंग बिग तो चाइना क्या कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया था वट यू एस इज डूइंग टू चाइना चाइना इज डूइंग टू अस यूएस वॉन्ट्स चाइना टू बी स्टक इन पेफिक चाइना वॉन्ट्स इंडिया टू भी स्टक इन साउथ एशिया तो

वॉट हैव दन देव मेड दिस ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क लेकिन मैं यही समझा रहा हूँ चाइना कनेक्ट नेपाल तो देव मेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखो एक बार के लिए तो ये पब्लिक और पैसेंजर्स और इन सब के लिए हैं राइट बट लुम्बिनी इज वेरी क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर Manlo, what happens when Chinese troops start using these lines in case of a war scenario it will become a huge problem for India if you look India-China border, So most of the border is hilly or ra rather mountainous, there are Himalayas, but with Nepal we have a plains border in the plains it's going to be very difficult for the Indian army to fight the Chinese entering from Nepal so this is a major major problem for India

चाइना पाकिस्तान कहाँ समझाऊंगा एंड देव मेड द ट्रांस हिमालियन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क राइट एक और चीज जो मुझे लगता है बट नहीं है इज द आइडिया ऑफ शालिग्राम स्टोन शालिग्राम स्टोन आर दो स्टोन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम टेम्पल राइट तो श्रीराम टेम्पल बनाने के लिए जो जो बन रहा है अयोध्या में उसके लिए स्टोन्स यूज किए जा रहे हैं एंड दे हैव 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 फ्रॉम नेपाल नेपाल सो दिस इज लाइक दैट 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 कल्चरल कनेक्ट सॉफ्ट पावर वी वी राइट के साथ अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप एंड वी कैन लेवरेज दैट रिलेशनशिप तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर पर रिलाई करता है चाइना एज यू कैन सी इट यूटिलाईज मोर ऑन इट्स डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी नाउ नेपाल और क्यों न्यूज में था जो इन्होंने नहीं डाला पी डी सिक्सटी फाइव में नेपाल में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं राइट अब यहां पे क्या हुआ है इलेक्शन में नेपाल में कुछ माओवेस्ट पार्टीज हैं उनके लीडर्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट बता रहा हूँ के पी शर्मा ओली एंड प्रचंदा पुष्पा कमाल name, ये लोग पहले माओवेस्ट पार्टीज हैं प्रो चाइना ये लोग पहले पावर में आए बट देन द नेपाली कांग्रेस दे ऑल्सो सपोर्टेडीज पार्टी तो बहुत बार इनकी कोलेशन गवर्नमेंट चेंज होती रही वाई इज इजनिंग बिकॉज नेपाल इज अ वेरी यंग डेमोक्रेसी तो बहुत कोएलेशन पार्टनर्स वगैरह चेंज होते हैं राइट नो दिस थिंग्स इज फॉर मीन्स तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं जस्ट गिविंग यू एन आइडिया गुड थिंग्स क्या हुई है इस इलेक्शन की वजह से जो पहले माओवेस्ट थे यहाँ पे दे हैविन मीन स्ट्रीमड इन टू पॉलिटिक्स राइट फेडरल स्ट्रक्चर बन रहा है स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है तो इंडिया के अगर नेबरहुड में डेमोक्रेसी आती है कंट्रीज विल बिकम स्टेबल इट्स गुड फॉर अस राइट बट दर वॉसन एंटी पार्टी इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करनी है राइट नाउ यहाँ पे राजन ही इज अ फॉर्मर एम्बेसिडर टू इंडिया इंडियन एम्बेसिडर टू नेपाल उन्होंने क्या क्या बातें लिखी है उन्होंने लिखा हैज केवी राजन सर्ट सेट

झगड़ा हो गया था राइट तो ये थोड़ी सी बात है न्यूज ओके सो इफ वी आर डिस्कसिंग द नेपाली इलेक्शन देखो क्या है इनकी पार्लियामेंट में देर इज अउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन नेशनल

अगैन यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एंड बोथ कंट्रीज दे आर सम इंटरनेशनल फोरम बीबीआईन हमने देख लिया बीमस्टेक हमने देख लिया देवर अ पार्ट ऑफ नॉन लाइन मूवमेंट सार्क हमने देख लिया मेंस भी याद कर लिया नाउ दिस जो मैंने आपको बताया था कालापानी डिस्प्यूट दिस वॉज दिस इज द वेयर मतलब ये डिस्प्यूट इस चीज़ को है कि काली रिवर की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है तो दिस डिस्प्यूट वॉज हैपनिंग इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड अफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दट दे वॉज सम रोल प्लेड बाई दिस कंट्री ऑल्सो इन दिस डिस्प्यूट दिस वॉज द बॉर्डर डिस्प्यूट दैट वी हैड बट अब काफी उसमें लाइक इट्स नॉट स्टिल दैट बर्निंग इशू उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया है तो नेपाल हम समझ गए हैं आपको वही काम है यू विल गो एट एटलस एंड लुक एट द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम हियर अगर आप थोड़ा देखना चाहोगे यू विल नीड टू सी सम ऑफ द नेशनल पार्क इन दिस रीजन तो अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ आप अपने माइंड में याद करना कि रामगंगा रिवर कौन से नेशनल पार्क से निकलती है राइट एंड द क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल पार्क इन यूपी इज ओनली वन तो यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है राइट आई होप यू नो दिस इफ यू नो दिस यू कैन राइट इन द कॉमेंट ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डू इज इंडिया श्रीलंका

अब यहाँ पे बात आती है कि एम आर सी सी मेरा रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर होता क्या है तो इंटरनेशनल नेटवर्क है अंडर दू एन इंटरनेशनल मैराटम ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों है देखो मान लो देर आर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वेयर शिप्स एक्सेट्रा आर फ्लोइंग सो एवरी कंट्री मस्ट सेटअप दिस मैराटम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के मान लो कोई डिजास्टर हो जाए समाइम शिप सेलर्स दे आर फेसिंग सम डिजास्टर दे आर एट सी सो हु इज गोइंग टू कम एंड रेस्क्यू गंग अब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी तो हर कंट्री अपना एक एम बनाती है और उनका एक एरिया सेट होता है उस एरिया में अगर मान लो कोई एन्वायमेंटल डिजास्टर हो गया कोई डिस्ट्रेस हो गया कोई इवैक्यूएशन होनी है कोई ऑयल स्पिल हो गया तो इसका स्विफ्ट रिस्पॉन्स इंश्योर हो पाएगा हु कोऑर्डिनेट्स दिस द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स दिस राइट ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप इट्स ओन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन तो हर कंट्री बताती है कि हाँ इस रीजन में विल डू सर्च एंड रेस्क्यू एंड उस कंट्री की नेवी या कोस्ट गार्ड

तो ये प्रोजेक्ट वाइट एलिफेंट बन गया वाइट एलिफेंट मींस अ प्रोजेक्ट दैट एक्चुअली डज नॉट प्रोड्यूस एनी वैल्यू बट दिखने में बहुत अच्छा है राइट तो इट बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट एंड देन चाइना सेड ओके

तो अब देखते हैं कि इंडिया श्रीलंका में क्या क्या टाइज हुए आपको घर जाके घर पे एक्चुअली घर पे ही हो आप लोग यू हैव टू रिमेंबर पार्क स्ट्रेट यू हैव टू रिमेंबर पार्क बे एंड विच नेशनल पार्क इज हेयर ये चीज आपको याद करनी है राइट जो बाकी इनिशिएटिव्स uh, हैं वो हम देख लेते हैं वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स इन सार्क देन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं श्रीलंका में फॉर द सेम रीजन वी वॉन्ट आर प्रोजेक्ट्स देयर ताकि चाइना वहां पर ना आ जाए एंड श्रीलंका इज वन ऑफ इंडिया मेजर डेवलपमेंटल पार्टनर्स सो वी हैव मेड अ हाउसिंग प्रोजेक्ट देयर वी हैव मेड एन एम्बुलेंस सर्विस देयर ये वही है दिस एस्टेबलिज पीपल टू पीपल टाइज एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स द श्रीलंका डज नॉट गो दाइना वे

कोऑर्डिनेशन थिंग बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया एक्चुअली बंगलादेश में भी मुझे बताना चाहिए था बंगलादेश इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म पेशेंट्स टू इंडिया राइट सो बंग्लादेश एंड श्रीलंका बोथ ऑफ दिस बिकॉज दे आर क्लोज टू अस मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है दै द पेश कम हेयर दे इन्जॉय इंडियाज फेसिलिटीज इंडिया की फैसिलिटीज़ आर क्लोज टू दैट ऑफ यू एस एंड यूरोप स्पेशली दैट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स विद प्राइस आर वेरी लो तो वो लोग यहाँ आते हैं अब यहाँ आके अगर वो ही होकर जाएंगे दे विल ऑलवेज थे पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया एंड इंडिया इज ऑल्सो अर्निंग फॉरक्स फॉर फॉरन एक्सचेंज राइट श्रीलंका से भी श्रीलंका से ज्यादा बांग्लादेश से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर्स हैं सारे याद करने की जरूरत नहीं है राइट देन देर पार्ट ऑफ नॉन लाइन मूवमेंट यू एन में कॉर्डिनेशन है एक्सेट्रा नाउ मैंने आपको कहा था पे पार्क स्टेट और पार्क आपने पढ़ना है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है इज एन इशू कॉल्ड द कच्चा थीवू आइलैंड नाउ कच्चा थीवू आइलैंड क्या है इट इज अ स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड विच इज हेयर ओके अब क्या हुआ था इट वॉज इट इज अ वॉलैनिक आइलैंड फॉर्मड इन द फोर्टीन सेंचुरी इट वॉज अर्ली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया एंड श्रीलंका टू एडमिनिस्ट्रेट बट क्या हुआ था इन से देर वर सर मैरी बाउंड्री एग्रीमेंट्स अब मैरिटाइम बाउंड्री किस चीज से रेगुलेट होती है इट इज रेगुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी पार्ट थ्री में मैं आपको यू एन का थोड़ा सा रेगुलेशन पढ़ाऊंगा हर साल इस पर एक नया क्वेश्चन आया राइट सो देर इज फर्स्ट देर इज टेरिटोरियल वाटर्स देन देर इज कंटिगुअस जोन देन देर इजो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसी इसमें टर्म्स होती हैं बट यहाँ देखो इंडिया एंड श्रीलंका आर वेरी क्लोज तो इसमें थोड़ी स्पेशल चीजें अप्लाई होती हैं एवरी थिंग इज स्प्लिट इन टू तो वैन द Disputes happened with regard to maritime boundary during Srimati Indira Gandhi's time It was decided that this island should be made a part of Sri Lanka So in this India Sri Lanka agreements of 1974-76 Kachcha Island was given to them, but still Sri Lanka repeatedly denied access to Indian fishermen In this region because see this is a small sea. right Indian fishermen also want to fish here िकल रीजन में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल तमिल पीपल दे फील अल कनेक्ट विदिलियन दट आर लिविंग इन श्रीलंका एंड द तमिलियन दैट लिविंग इन श्रीलंका उनको बहुत टाइम तक एक्सेस डिनाई किया गया राइट ओके तो अब जब यहाँ पे फिशरमैन आते हैं तो श्रीलंका उनको बहुत बार डिटेन कर लेता है एंड एंड दिस दिस बिकम्स एन इशू इशू आल्सो देन इज लेते हैं कच्चा थी वो आइलैंड तो अब आप एटलीस्ट हमारे फिशरमैन को डिटेन मत करो क्योंकि उनके पास जब फिशरमैन यहाँ में जाते हैं फिशरमैन के पास देखने के लिए नहीं है कि यार मारे टाइम बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही है राइट दे डोंट हैव डोंव सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स तो कभी कभी वो श्रीलंका के साइड चले जाते हैं एंड इन the श्रीलंकन गवर्मेंट डिटेन्स एंड ये एक बहुत मेजर इशू रहा है इंडिया श्रीलंका के बीच में नाउ इंडिया श्रीलंका में जो चीजें इन्होंने नहीं ऐड करी दैट आई हैव एडेड माय सेल्फ ये मैं इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपलोड ऑल दी एक्स्ट्रा पेजेस दैट आर नीडेड राइट ओके तो अब देखो श्रीलंका में आज नो डेट क्राइसिस तो जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है राइट आपने देखा होगा उनके प्रेसिडेंट के घर में लोग घुस गए थे वगैरह वगैरह सो दिस डेट रीस्ट्रक्चरिंग वाज नीडेड तो अब इसमें आईएमएफ की हेल्प चाहिए दे गिव समथिंग कॉल्ड द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बट टू गेट दिस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी द आईएमएफ सेड कि अगर श्रीलंका को अपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग करानी है तो जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं जिन लोगों से आपने लोन्स ले रखे हैं वो लोग अगर मानेंगे तभी हम आपका डेट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे

also agreed japan is a member of paris club this is a group of informal grouping of countries that gives loans to other countries for developmental assistance but china did not agree for the longest time so this built some ill will between china and sri lanka and India ke they showed our magnanimity and by showing our magnanimity we became a we showed that we are a better reliable partner of sri lanka then mr. ranil vikram singh he is the current uh, head of state of sri lanka and he was invited to delhi रिसेंटली बट बहुत डिलेड इन वाइट है यह बिकॉज बीच में द रिलेशनशिप हैज सावर्ड वेन इट वॉज सीन बाई इंडिया कि चाइना के ज्यादा क्लोज जा रहा है श्रीलंका बट नाउ द रिलेशनशिप इज बैक ऑन ट्रैक नाउ इंडिया आउटरीच इन श्रीलंका इज बेस्ड ऑन फोर पिलर्स पिलर्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी हम चाह रहे हैं कि जो रिन्बल एनर्जी के ग्रिड्स हैं बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया दे शुड बी लिंक नाउ वी हैव इन्वेस्टेड इन त्रिंकोमली त्रिंकोमली देर इज अयल फार्म दट इंडिया हैज मेड इन दिस त्रिंकोमली इज अयल फार्म दट इंडिया हैज मेड देयर देन फूड सिक्योरिटी एक्चुअली हुआ क्या है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था दैट वॉज मेनली ड्यू टू देयर फोकस ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स उन्होंने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन कर दिए और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से ही सब कुछ होगा तो एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ डिक्रीज इन द यील्ड एंड एज द यील्ड डिक्रीज इट बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द श्रीलंक राइट अब इंडिया से दे रिक्वायर फूड पहले वो यूक्रेन रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे बट नाउ देर इज अ वॉर देर तो दे रिक्वायर फूड फ्रॉम इंडिया सो दिस इज ऑल्सो पिलर ऑफ सपोर्ट देन करेंसी इंस्टेबिलिटी हो ही जाती है जब डेट क्राइसिस होता है तो इंडिया एंड इंडिया हैज ऑल्सो डन इन्वेस्टमेंट सो दर इज दिनोमलीइल फार्म देर इज द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ दर पोर्ट देर वी हैव मेड अ विंड फार्म अगेन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हमने इन नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका

अब सिन्हला लोग जो थे दे वर द डोमिनेंट कम्युनिटी एंड दे वर कॉन्स्टेंटली सप्रेसिंग द तमिल पीपल विदाउट गोइंग इन टू अलॉट ऑफ डिटेल ऑन दिस राइट तो फिर तमिल पीपल वेन देवर बींग सप्रेस्ड इट लेट टू अ रेवोल्यूशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम इनमें एक जो इनका लीडर था दैट वॉज प्रभाकर आई एम श्योर यू मस्ट हैर्ड ऑफ दिस तो बहुत टाइम पे क्या हुआ है कि श्रीलंका में सिविल वॉर चला है बिटवीन द एल टी टी एंड द गवर्नमेंट बिकॉज द तमिलियंस दे वर नॉट गिवन देयर राइट्स दी सिलाज एंड गवर्नमेंट क्लेम के नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड बहुत टाइम तक ये वॉर चला इसी टाइम पे इंडिया ऑल्सो इंटरवीड हेयर इन दिस वॉर एंड दिस इज द टाइम अनफॉर्चुनेटली वैन आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा बट हमें यहाँ समझना क्या है वार एंडेड इन अबाउट टू थाउजेंड नाइन इंडिया प्लेड अ रॉल इन दीस कीपिंग प्रोसेस एंड इंडिया सेट कि जो तमिल लोग वहां पर है People of Indian origin to Indian interest. Hai wo, right? They are almost like Indian diaspora. So India is interested in them. So Indian uh, uh, Sri Lankan government ko ka, to protect this Tamil people, you have to launch the 13th Amendment. The 13th Amendment in the Sri Lankan constitution talks about self-governance and rights to the Tamil people in Sri Lanka. We also talk of the 13th Amendment Plus, which also give them self-governance and policing rights. अब इस सब में प्रेजेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, है? कंटेक्स्ट आपको समझ आ गया दे माई टास्क थर्टीन अमेंडमेंट रिसेंटली हर्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट तो हेयर यू नीड टू नो दैट इट इज कनेक्टेड टू द तमिल पीपल दैट वर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका राइट ओके नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इज इंडिया अफगानिस्तान अफगानिस्तान में एज यू हैव मस्ट हर्ड इन द न्यूज दैट तालिबान हैज टेकन ओवर राइट तालिबान इज नाउ कंट्रोलिंग अफगानिस्तान एंड द यूएस गवर्नमेंट हैज कोलेप्स्ड Okay, US led, US was supporting the Taliban, uh, US was supporting the democratic Afghan government, but they collapsed within two weeks and the US withdrawal was very hasty. sub pictures seen pictures of people falling off planes and the US withdrawing in such a haste and now Taliban controls Afghanistan. So, now how is India reacting? Earlier to India, we said tha that we will not deal with the Taliban, but up because of geopolitical realities, we have reopened our embassy in Kabul, right, after 10 months. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन देवी शक्ति हेयर वी हैड इवैक्यूएटेड ओन एंड सम अफगान पार्टनर्स आफ्टर द तालिबान टेक ओवर तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ और रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम लिखे हैं जैसे ऑपरेशन सुकून डन इन लेन ऑपरेशन सेफ होम कमिंग डन इन लिपिया ऑपरेशन राहत फ्रॉम यमन एंड ऑपरेशन गंगा फ्रॉम इंडियन फॉर इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन मेनली दीज वर मेडिकल स्टूडेंट्स राइट तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी

ऑन अफगानिस्तान इन दुशानबे तजीकिस्तान आज की लेक्चर में हम इसकी ज्योग्रफी देखेंगे यहाँ पे आर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल जी हैड गॉन एंड ही टॉक्ट अबाउटानिस्तान बी समी दैट इन काउंटर टेररिज्म ग्रोथ ऑफ अफगानिस्तान से इंडिया है राइट यहाँ पे देर इज अ रीजन कॉल्ड गोल्डन क्रीसेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे ड्रग्स ग्रो होते हैं अगर अफगानिस्तान इज इनस्टेबल राइट इट लीड टू ह्यूज ऑफ टेरिस्ट टू इंडिया एंड इट ऑल्सो लीड टू ड्रग्स कमिंग टू इंडिया इंडिया में ऑलरेडी ड्रग्स इशू है राइट इन पंजाब अब हरियाणा में भी स्टार्ट हो गया है राइट सो इट इज अज प्रॉब्लम सो वी वॉन्ट की अफगानिस्तान स्टेबल रहे पहले इंडियन गवर्नमेंट की पोजिशन थी दस्ट अफगान लेट अफगान अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस बट आफ्टर तालिबान टेक एंगेज विद द तालिबान अब यहाँ पे दो तीन चीजें और हमें समझनी है पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वखान कॉरिडोर बताऊंगा वखान कॉरिडोर इज दिस रीजन दट लिंक्स अफगानिस्तान एंड इंडिया छोटा सा बॉर्डर यहाँ है बचपन में एम बी ए बहुत निमोनिक एम बी ए में लास्ट अफगानिस्तान था बिकॉज अफगानिस्तान जैसा <coughs> हमारा बहुत छोटा बॉर्डर है ओनली वन हंड्रेड सिक्स किलोमीटर दिस स्मॉल रीजन इज द वखान कॉरिडोर ये एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है नॉट ऑन एग्जैक्ट लाइन बट ये कश्मीर इलिगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो हमारा अभी मतलब एज पर आर इंटरनेशनल बॉर्डर तो लाइन लगता है बट अभी जो ग्राउंड पोजीशन है उस हिसाब से हमारा बॉर्डर नहीं लगता है बट एज यू कैन सी चाइना का तो बॉर्डर लगता है एंड वॉट डेड आई टेल यू हिमालयन क्वॉट सो चाइना इज इन्वेस्टिंग इन नेपाल चाइना इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान चाइना इज इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान एंड ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया ये हमने देख लिया यहाँ पे हमने वो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क देख लिया नेपाल के साथ नाउ

नेबरिंग रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान दे हैव ऑल्सो आस्ट मजार शरीफ कहाँ पर लोकेटेड है राइट right? तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखो पाकिस्तान आपको सभी को पता है पाकिस्तान किस टाइप का कंट्री है बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट हेयर इन कनेक्टिंग विद कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया इन कनेक्टिंग विद कंट्रीज हेयर लाइक ईरान लाइक सऊदी अरेबिया लाइक ओमान एंड येन अब देखो पाकिस्तान की मेन अच्छी चीज और हमारे लिए सबसे खराब चीज इज देट जोग्रफी बिकॉज ऑफ देट एक्सेस डायरेक्टली टू अफगानिस्तान अफगानिस्तान के पास कोई पोर्ट तो है नहीं तो हम कैसे अफगानिस्तान पहुंचे ये वाला एरिया पीओके में चला गया तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं है अफगानिस्तान का बट वी वॉन्ट टू बी अ क्लोज पार्टनर टू दैम इफ वी कैन रीच अफगानिस्तान यू कैन रीच सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशिया के साथ हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं ये कंट्रीज जो है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान यहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट बट उसके लिए अफगानिस्तान पहुंचना जरूरी है तो अफगानिस्तान पहुंचने के लिए हमने ईरान में बनाया चहाबार पोर्ट न फ्रॉम द चहा पोर्ट देर इज जरान इन अफगानिस्तान यहां पे हमने लिंकेज कनेक्ट की देन फ्रॉम टू इज पार्ट ऑफ दिस गार्लैंड हाईवे हाईवे दिस अ गार्लैंड गार्लैंड शेप्ड हाईवे बिल्ड बाय दू एस फोर्सेज इन अफगानिस्तान इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं मज़ार शरीफ काबुल कांदार देलाराम एंड हिरात तो यूएस ने गार्लैंड हाईवे बनाया टू कनेक्ट ऑल दीज इंपॉर्टेंट सिटीज राइट तो टू गेट एक्सेस टू द गार्डन हाईवे मी मेड द देन वी वेंट टू एंड फ्रॉम जरांज टू दिस गार्डन हाईवे ये भी आगे आएगा एंड देन वाई सेंट्रल एशिया इज इम्पॉर्टेंट बस ये भी आगे आएगा बट आई होप यूट अंडरस्टूड अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारी अफगानिस्तान के साथ एक तो एक किलोमीटर का बॉर्डर है देन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अफगानिस्तानी एंड लाइक इंपॉर्टेंट स्टोन बट ब्रॉट फ्राम देर देन देर इज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन राइट वी हैव अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, वेर इंडिया हैज अलाउड ड्यूटी कंसेशंस लाइक फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट फॉर सर्टन कैटेगरी ऑफ आइटम्स लाइक इंक्लूडिंग अफगान ड्राई देन इंडिया इज वन ऑफ द टॉप डोनर्स टू अफगानिस्तान देर इज अ एयर फ्रेड कॉरिडोर अब देखो एयर फ्रेड कॉरिडोर क्यों मनाना पड़ रहा है बिकॉज और कोई डायरेक्ट एक्सेस रूट ही नहीं है ना लैंड से ना सही से बिकॉज ऑफ द इन ट्रांसिडेंस ऑफ पाकिस्तान इंडिया ने वहां कहां इन्वेस्ट किया दिस इज इंपॉर्टेंट वी हैव मेड देर अफगान पार्लियामेंट

नेक्स्ट इज इंडिया मालीवीज दिस इ लास्ट थिंग आई थिंक दैट यू हैव टू रीड इन टर्म्स ऑफ आर नेबरहुड अभी रिसेंटली छह अग्रीमेंट साइन किए मालडीव क्यों हमारे लिए इम्पोर्टें हैं बिकॉज मॉलडीव लाइज इन द इंडियन ओशन रीजन ये हमने चाइना के कॉन्टेक्स में लास्ट टाइम समझा था वा इट इज इंपॉर्टेंट इन दफ साइबर सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट सोशल हाउसिंग देर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉल डीव हमने क्या वहां इन्वेस्ट किया वी हैवेस्ट इन द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट Okay, Male is their capital, and again we are investing in a connectivity project. Ab ye, it is linking the islands called this. I'm not even going to pretend to know how to pronounce this, right? But you have an idea that we are investing in their connectivity projects. Then we have security cooperation pact with them. India karta hai? India wants to be the net security provider. नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मीन्स कि मान लो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है इंडियन ओशन में तो इंडिया कहता है भाई कि आप हमसे हेल्प मांगो इन सिक्योरिटी आर नेवी आर कोस्ट गार्ड इज वेरी केपेबल एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू वी ऑल्सो डू समथिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एच ए डी आर डिप्लोमेसी अभी आपने देखा होगा टर्की में अर्थक्वेक आया तो व्हाट डिड इंडिया डू इंडिया ने ऑपरेशन दो स्टार्ट किया right. और टर्की की हेल्प करी राइट right? तो दीज थिंग्स आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज सेइंग कि यार अगर यहाँ पे कोई इस रीजन में इस पूरे रीजन में India India तो इंडिया का क्या होता है सॉफ्ट पावर बढ़ती है एंड इंडिया की रोल एज ग्लोबल स्टेज एज असिबल एक्टर दैट ऑल्सो इज एस्टैब्लिश तो ये चीजें इंडिया करता है तो सिमिलरली मॉल में वी ऑब्वियसली है प्रोजेक्ट्स वो तो हमारा एक गोल है ही हमारे नेबरहुड में वी हैव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बट वी ऑल्सो इन्वेस्ट हियर इन ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड सो वी अ सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट देन वी हैव मेड अ कोलंबो सिक्योरिटी वी हैव स्टार्टेड विद इंडिया एंड इट हैज मॉलिवस इट हैज श्रीलंका इट हैज मॉरिशियस इनकी थोड़ी सी जोग्राफी देख लेते हैं यहाँ देखो ये मॉलडीवस है ये मॉरिशियस है येल्स आईलैंड के साथ भी हमारी कॉपरेशन हम पढ़ेंगे बट मॉलडीव मॉरिशियस एंड श्रीलंका दीज आर पार्ट ऑफ द Colombo security conflict that India has started. Then we have made the National College for Police and Law Enforcement here in Maldives. Ab dekho. Recently, there was an India out campaign in Maldives. Ab ye thi? That certain parties, there was a

बट अब जो मॉल्डीज के प्रेसिडेंट हैं ही इज वेरी फेवरेबल टूवर्स इंडिया एंड ही हैज बैंड दिस इंडिया इंडिया आउट कैम्पेन नहीं चल सकता है मॉलिवज में इफ यू डू इट इट इज इलिगल राइट इंडिया हैज अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड मॉल्डीव हैज ए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी आज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉर्डिनेशन है एंड देन यू लाइक यू जस्ट रियलाइज दैट दिस इज वेद सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन गो टू दे स्टार्ट फ्राम मॉलिव तो मॉलिव इज ऑफन कॉल्ड a Gateway to the Indian Ocean, and from the here we are going back to our core idea, the Malacca Strait, where we started in the last video. So, India, Maldives' ka second largest trading partner, hai. bilateral trade, fi hai. neighborhood first policy, mein Maldives' ka role. Hai. Then, there is a comprehensive action plan for defense, then security and growth for all in the region. This is India's idea, Sagar. Right? This is the main policy that we have here. That main policy talks of what it talks about. नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इट टॉक्स अबाउट असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड अट्रल रोल फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन नाउ अब कुछ और छोटी छोटी न्यूज हैं. अब इन छोटी-छोटी न्यूज -छोटी में क्या पढ़ना होता है जस्ट नो लिटिल बिट अबाउट इट जैसे ट्रांस हिमालय मल्टीडाइमेशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क अब आइडली वही दे देना चाहे था नेपाल में बट हमने पढ़ लिया हमने समझ लिया दिस इज चाइना बिल्डिंग इन नेपाल तो ये हमें पता है दिन द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशियटिव दिस जस्ट यू नीड टू नो दैट चाइना है Right? and they now this is just a, it is like a contradiction in terms. But China is saying that it is against Cold War mentality, against block confrontation. They are saying that we will not have blocks competing with each other. Global Security Initiative means that uh, like there will be no hegemony. Each countries will each country will be re responsible for themselves. But as you can understand, it is countering US's Indo-Pacific strategy. This last time we why these geopolitical theaters are linked.

in the ocean inland they have to focus on asymmetric warfare right so asymmetric warfare come it is not direct symmetrical either uh, ships sea or sea. Mein lado. it means that you will fight in the areas where the opponent is weak like guerrilla warfare like intelligence warfare like you are using your geography and demography so they are thinking of three defensive layers Pehla they will use intelligence and reconnaissance second they will do guerrilla warfare guerrilla warfare is not based on gorillas, it is based on the idea of Shegwevara now Che guevara is you see this queue here this sheikh guevara was a leader communist leader in cuba and uh, the americas right and he had invented this idea that you hit the enemy then you hide then you hit the enemy then you hide you don't face them in open warfare okay so this guerrilla warfare is an idea and then then they're focusing on geography and demography of the island then there is spectrographic investigation of nebula gas project you just need to understand that it is a collaboration between the indian institute of astronomy and the russian academy of sciences and they are designing payloads for tiangong. tiangong is important hai, this i have taught in my science and tech course and i hope you can remember here it is uh, america's uh, sorry china's space station in answer to the international space station and yes global north samjata then there is wolf warrior diplomacy wolf warrior diplomacy

The last thing we have to see is Asian Clearing Union. This is basically, you can just read here. You, actually, it is something that you should relate from economy. They just RBI said that current account transactions, hai, including trade transactions with Sri Lanka, may be settled in any permitted currency outside the Asian Clearing Union. It is a, it is an initiative of the UN ESCAP until further notice, right? I hope you will relate this with economy and just read this on your own. When you read international transactions and how they are cleared, this idea would be, क्लियर टू यू ओके नाउ लेट सी समिंग न्यूज वेस्ट सेति डैम तो हमने देख ही लिया था लुम्बिनी भी हमने देख लिया था कहाँ पे है बाकी चीजें हम देखते हैं सो फर्स्ट वी हैव द वेस्ट से डैम राइट चाइना के पास था पहले ये और अभी इंडिया को मिल गया है सेती रिवर पे बनाया ये एंड इसकी लोकेशन आप थोड़ी सी देख लो ये यहाँ पे लोकेटेड है ओके देन देर इज लुम्बी लुम्बिनी इज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध तेरा ऑफ नेपाल एंड वी आर नाउ मेकिंग बुद्धिसक्टर वी आर ऑल्सो मेकिंग लुम्बिनी एंड कुशीनगर वी आर ट्राइंग टू मेक द मैज सिस्टर सिटी सो दिस इज लुम्बिनी लोकेटेडेड हिर ओके थर्ड थिंग इज गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स एरिया जब हमने जब हमने लद्दाख वाला एरिया पढ़ा था तो एनी वे वी रेट दिस जोग्रफी देर इज दौलत बे गोल्डी देन देर इज हॉट स्प्रिंगर इज तांग सो एक्सेट्रा तो दिस गोगा हॉट स्प्रिंग्स एरिया इज अगेन इन लद्दाख इट इज़ पेट्रोलिंग पॉइंट फिफ्टीन पेट्रोलिंग पॉइंट क्यों कहते हैं बिकॉज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वहाँ पे पेट्रोलिंग होती है एंड देर आर सर्टन पॉइंट्स वेर बोथ कंट्रीज पेट्रोल द बॉर्डर, सो इट इज अ पार्ट ऑफ दो पेट्रोलिंग पॉइंट्स एंड इसका नाम है पेट्रोलिंग पॉइंट फिफ्टीन इट इज लोकेटेड इन द हॉट स्प्रिंग्स दैन देर इज गोगा पोस्ट हेयर एंड ये एरिया यहाँ है तो दिस इज द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द डेपसांग प्लीन्स ओके

access to the section of tibet-xinjiang highway Ye la, jo passes through saksai chin right this also we had seen then there is pangong so lake right now this is the world's highest saltwater lake again between india and china border and there is an endorheic sinking lake meaning apne me hi hai right one third lies in india two third lies in china there is no particular drainage here here is where the pangong so is okay one third in india 2 two third in china then there is the Shinkula Pass. Shinkula Pass pe kya hai? Border Road Organization is building the world's highest tunnel here to connect Himal Himachal and Ladakh. It is located between the Zaskar Valley and Lahol Valley. Aap geography se revise karo. Currently, the world's longest tunnel, this is highest, the world's longest tunnel is the Atal tunnel in Rohtang Then there is Manala or mana Pass in Uttarakhand. Right now, Manala or Manapass is between the India and China border, right? And it is located here as you can see here. Now this is important for pilgrimage sites. Right? So we have seen the Mana Pass. And it is located within the Nanda Devi Biosphere Reserve. Right? Okay. And finally we have the Nechifu Tunnel. Nichifu Tunnel again the border roads organization is conducting things uh, like uh, the breakthrough blast and this is being constructed. Now this is located near the Tawang and Arunach in Arunachal Pradesh and it is connecting Balipara to Tawang.

बिकॉज हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि नॉर्थ और वेस्ट में तो देर इज ब्लॉकेट इंडिया ने सोचा एक्ट 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 ईस्ट 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 करेंगे देन यू यू थ्रू द नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट की भी डेवलपमेंट होगी एंड द मलक्का स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हमें पता है तो अब हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ हाउ आर वी नेगोशिएटिंग एंड वट इज आर आउटरीच टू साउथ ईस्ट एशिया ओके सो नाउ लेट्स कम टू इंडिया म्यांमार तो हमने कंसेप्ट देख लिया क्यों म्यांमार इंपॉर्टेंट है ये सब हमने देख लिया अब अभी अंडरस्टूड बाय मलक्का स्टेट इज इंपॉर्टेंट

दे हैव गेटन गिवन द क्लियरेंस फॉर दिस है क्या दो एम आई एस टी दिस इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क तो अंडर सी केबल्स से हम इन कंट्रीज को कनेक्ट करने वाले हैं म्यांमार थाइलैंड सिंगापुर मलेशिया एंड इंडिया ओके ना तो दिस विल प्रोवाइड अफोर्डेबल टेलीकॉम फेसिलिटीज बिकॉज अंडर सी टेबल्पअ इन कनेक्टिंग एंड इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एंड इज एटी वन हंड्रेड किलोमीटर अब ये राइटर तो

और हमें समझना है इंडिया म्यांमार की और क्या क्या, क्या, -क्या की फैक्ट्स हैं तो पहले तो हमने गोल्डन क्रीसेंट देखा था पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान देर इज अ गोल्डन ट्राइंगल हेयर ऑफ म्यांमार थाईलैंड एंड लाओस यहाँ भी बहुत सारे ड्रग्स उगते हैं तो अब देखो इंडिया इज सैंडविच बिटवीन द गोल्डन ट्राइंगल और वन साइड एंड गोल्डन क्रीसेंट ऑन दी अदर तो इंडिया में इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम रह सकती है और टूबर्थ पंजाब एंड दो स्टेट्स ऑल्सो ड्रग्स की प्रॉब्लम रहती है सो दैट इज अज इशू फॉर इंडिया

राइट right. नाउ अब ये कौन कौन से मल्टी फोरम्स में है बीमस्टेक बीमस्टेक का हमने निमोनिक भी देखा था Beamsteak भूलना नहीं इट्स हमनेटेक राइट हेयर बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड भूलना से भूटान एंड नहीं से नेपाल ओके देन वी हैव हैंग गंगा कोऑपरेशन इसका निमोनिक हम अभी देखते हैं यू एन डब्ल्यू टी एक्सेट्रा दिस इज कोऑर्डिनेशन ना म्यांमार इज पार्ट ऑफ आसियान हम आसियान के मेम्बर्स भी रिवाइज करेंगे

तो so, इंडिया की डुअल ट्रैक पॉलिसी इंडिया सेज दैट हम मिलिट्री हुंटा से बिजनेस तो करते रहेंगे बट वी से कि प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस चलनी चाहिए अब हुआ क्या था कि जो मिलिट्री हुंटा थी दे टूक ओवर द गवर्नमेंट एंड द प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज दे ऑल्सो सिविलियन फोर्सेज एंड इनके बीच में करेंटली एक सिविल वॉर चल रहा है एंड दिस प्रो डेमोक्रेसी फोर्स दिस कंट्रोल वास्ट रीजन ऑफ म्यांमार राइट सो देर इज कॉन्फ्लिक्ट

पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेज दिस वॉज द मेन आइडिया इंडिया ने क्या किया इंडिया टूक द डुअल ट्रैक पॉलिसी कि हम हुटा अभी रूल कर रही है हुंटा के साथ हम बिजनेस करेंगे बट जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं उनसे भी बात करते रहेंगे राइट बिकॉज दे आर ऑल्सोलिंग दिस वास्ट रीजन अब चाइना ऑल्सोज द हुटाटलो आर प्रॉब्लम सो वी शुड एंगेज द हुंटा बट ऑल्सो की प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज सो वॉट वी आर डूंगर इज रियल पॉलिटिक राइट वी आर लुकिंग एट आवर ओन इंटरेस्ट

कू के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में आ गया एंड ऑब्वियसली रेफ्यूजीज आर कमिंग देन आई टोल्ड यू अबाउट द पॉपी कल्टिवेशन एंड ड्रग्स इन द आइडिया ऑफ गोल्डन ट्राइंगल

सपोर्टिंग ओपनली डेमोक्रेटिक फोर्स इन योर नेबरह हुड इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जस्ट दी आइडिया शुड भी क्लियर टू यू दी बेसिक कॉन्टेक्स शुड भी क्लियर फिल्म में इसका डायरेक्टली आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट अगर आपको कॉन्टेक्स याद है तो अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया दिस इज वाई म्यांमार इज एन न्यूज तो कालादान रिवर अच्छे से पढ़ना आई एम टी अच्छे से पढ़ना आसियन अच्छे से पढ़ना बिकॉज इट्स चांसेज शुड बी आस्ट नो दीज आर वट इंडिया ऑप्शन आर ये बेसिकली मीनस के लिए तो ये अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं रिसेंटली ऑल्सो द हम फिर से पोल्स कराएंगे तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू से हमारी जो गवर्नमेंट है वो लजिटेमाइज हो जाए हम भी एक इलेक्शन जीत जाएं तो so उन्होंने क्या किया उन्होंने कह दिया कि हंड्रेड थाउजेंड की मेम्बरशिप होनी चाहिए पार्टीज की टू कंटेस्ट दिस पोल अब यह तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एक लाख लोगों को मेम्बर बनाना कोई आसान काम तो है ही नहीं राइट तो दिस वॉज डन टू स्टॉप द स्मॉल पार्टीज अगेन जस्ट एन आइडिया दिस कॉन्फ्लिक्टज गोइंग आसियन कंट्रीज

सी एंड डिड नॉट मीक एन ऑफ द पोलिटिकल लीडर तो इंडिया का बैलेंस चलता रहता है कि हम से बात करें या डेमोक्रेसी के लिए उनको एनकरेज करें सो दिस आई होप यूट अंडरस्टुड ओके सो वेन इंडिया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी हम दो साल यू एन एस सी के मेंबर थे उसमें हर मंथ प्रेजिडेंसी चेंज होती है तो हमारी जब प्रेसिडेंसी थी we sponsored this resolution number 2669 where we talked we uh, this resolution was passed sorry we did not sponsor it we, this resolution was passed talking about the end of violence and release of political prisoners in Myanmar and india because it was not in favor of voting against the military junta which is against uh, which is uh, very important because myanmar is a neighbor to us india abstained from this resolution even china abstained and russia abstained right so this is also something you need to know नॉट शुड वी हैव टाइज विद दी हुटा और नॉट ये यहाँ पर लिखा है बट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट जो फिल्म के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आसियान के मेम्बर्स कौन है तो एम बी बी एस स्टूडेंट जो होते हैं मेरे जैसे वो जब क्रिकेट देखते हैं दे सी आई पी एल ऑन टी वी तो इसका निमोनिक ये है बिकॉज दे आर टेन कंट्रीज वी डू नीड अ बिग निमानिको एम बी बी एस टैंस फॉर मलेशिया अब यहाँ से बी में दर इज बर्मा अगेन आई एव हाईलाइटेड दिस बर्मा एंड म्यांमार इज द सेम बी से ब्रुनाई एंड एस से सिंगापोर क्रिकेट सी कैम्बोडिया आई पी एल आई से इंडिया

ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज राइट तो अगर मान लो कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए इंडियन किसी मिलिट्री शिप को जो वियतनाम के आसपास है फॉर रिपेयर फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज फॉर फ्यूल वी कैन यूज देयर फैसिलिटीज राइट दिस इज द फर्स्ट एवर सच साइंड बाई वियतनाम विद इन अदर कंट्री इंडिया ने बहुत सारे ऐसे एमओ यूज पहले भी साइन कर रखे हैं वी हैव वन विद ऑल ऑफ द क्वार कंट्रीज सो वी हैव वन विद जपान विद यूएस ए विद ऑस्ट्रेलिया वन विद फ्रांस वन विद सिंगापोर एंड वन विद साउथ कोरिया ऑल्सो अब हमने लास्ट टाइम साउथ चाइना सी पढ़ा था साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट पड़ा था नाइन डैश लाइन पड़ी थी तो ये देखो वियतनाम इट इज पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी राइट तो इंडिया का अगर यहाँ पे इनके साथ एक लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है तो साउथ चाइना सी में इंडिया कैन स्टार्ट इरिटेटिंग चाइना एंड से कि भाई जो आपका मलक्का डिलेमा था इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू मलक्का नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू हैव अ प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट कॉलमनिस्ट डॉक्टर सी राजा मोहन ही हैज रिटर्न दैट इंडिया शुड लुक बियॉन्ड द मलक्का डेनामा टू द साउथ चाइना सी फॉर इट्सोरिटी कैलकुलस ओके तो साउथ चाइना सी में भी हम क्या कर रहे हैं हमने वियतनाम के साथ ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट किया अभी हम देखेंगे कि इंडोनेशिया के साथ हमने ज्वाइंट पेट्रोल्स किए हैं मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक फिलिपीन शिप को ब्लाइंड कर लिया है So जोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है एक बार पूछी जा चुकी है so बाकी क्या क्या इंडिया के बीच में कॉपरेशन uh, है सो देर इज द मैकॉन्ग प्रोजेक्ट ये भी आगे आएगा देर इज द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन देन आसियन इज देयर मैकॉन्गंगा कोऑपरेशन इज देयर इसके मेम्बर्स का निमाने कभी नीचे लिखा है

मिकोंग रिवर और भी बहुत कंट्रीज से जाती है बट यहाँ चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया है गंगा कोऑपरेशन का जो नामोने के दैट इज आई टी सी आई टी ऑफ होटल्स में वेजिटेरियन लोग रहते हैं राइट ऑफकोर्स दिस इज नॉट ट्रू हर तरह के लोग रहते हैं बट वी हैव टू रिमेंबर सो आई से दर इज इंडिया टी से दर इज थाईलैंड सी से कैम्बोडिया नॉट चाइना रिमेंबर चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ मिकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन देन मे एम से वी हैव म्यांमार वी वेज वी हैव वियतनाम एंड लोक एल वी हैव

फिफ्टीन बिलियन का ट्रेड हो गया है एक दो चीजें तो हमने देख ही ली गोल्डन ट्राइंगल हमने देख लिया इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट हमने ट्रायलाट्रल हाईवे हमने देख लिया बिलियन का ट्रेड है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी है राइट सो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रायलाट्रल हाईवे एशियन हाईवे नेटवर्क दिस इज अंडर द दू एन ई एस सी ए पी जब ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट एंड देन देर इज द बीमस्टेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक स्टडी राइट right. सो so, ये टे के भी मेम्बर हम देख चुके यही मेन चीजें हमें पढ़नी है इज अ कॉमन कनेक्टिंग लिंक एंड दे आर पार्ट ऑफ बोथ पार्ट ऑफ गंगा कोऑपरेशन देन आसियान एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तो हमने एक आइडिया देख लिया एंड थाईलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर आस ऑफकोर्स टूरिज्म इज अज थिंग दैट वी डू विद थाईलैंड एंड ऑफकोर्स देर इज दे आर पार्ट ऑफ आसियान एंड दे आर अ पार्ट ऑफ आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट लिखा है यहाँ पे दिस इज नॉट द राइट टर्म लुक ईस्ट वॉज अर्लियर पॉलिसी

andaman and nicobar islands and aceh provinces in indonesia, and they are linking this. right. so around 19 nautical miles, there is a great channel, or the six-degree channel that separates nicobar from the aceh province. so we are trying to make a link project here. and yahan dekho, again, everything comes back to that. Sabang overlooks the andaman sea and the strait of malacca, that is strategically important for india, and also boosts tourism to andaman. the we link, panjagat, to indonesian tourists can come to andaman and visit its beautiful beaches, etc all right okay now what are the other places in news so firstly uh philippines is in news and iska we have uh like the capital is manila and this is where philippines is this is the south china sea where the nine dash line is you cambodia is in news and state of malacca so i think i must have said 10 times in this lecture only right so

एंड चाइना इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट सेकंड फॉरन आउटपोस्ट एक जिबूटी नाम की कंट्री है अफ्रीका में ये भी हम आज देखेंगे कहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ वहाँ पे दे हैडमेर फर्स्ट चाइना हेडमेरिय फर्स्ट फॉरन मिलिट्री आउटपोस्ट एंड नाउ दे आर मेकिंग इट इन द रीम नेवल बेस ऑफ कैंबोडिया एंड कोर वॉट इज इन कैम्बोडिया दिस वॉज बिल्ड बाय सूर्यवर्मन टू एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस सेंटर तो एक बार आप सूर्य वर्मन टू रिवाइज करिए कम्बोडिया में लोकेटेड है कंबोडिया इज ह्योर एंड अभी हमने पढ़ा आई टी सी में वेजिटेरियन लोग रहते हैं तो सी स्टैंड फॉर कंबोडिया बिकॉज द मेकॉन्ग रिवर गोज टू कंबोडिया ऑल्सो सो एज यू कैन सी देर इज ऑफकोर्स अम्पिटिशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू एक्सपैंड इट्स इंफ्लुएंस टू दीज कंज दीज आर दसियन कंट्रीज अगर आपने आसियन का निमोने याद कर लिया है एम क्रिकेट आई पी एल आप इन कंट्रीज की मैपिंग भी देखोगे जैसे यहाँ पे स्मॉल कंट्री है ब्रुनाई सो आई वुड वांट यू टू सी द मैपिंग ऑफ दीज कंट्रीज टू डन विद साउथ ईस्ट एशिया नाउ लेट्स कम टू वेस्ट एशिया विल स्टार्ट विद इंडिया इजराइल नाउ ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेस्ट एशिया नाउ इन वेस्ट एशिया वी हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया इजराइल फर्स्ट देखो इसराइल के साथ जो हमारी टाइज हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन टू थिंग्स फर्स्ट इज डिफेंस एंड द सेकेंड इज वाटर कोऑपरेशन कैसे मैं अभी आपको बताता डिफेंस टेक्नोलॉजीज so पहले हम यहाँ पे एक टर्म समझते हैं पैरा डिप्लोमेसी देखो डिप्लोमेसी तो हमें पता है दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन टू फर्दर इंटरेस्ट पैरा कि मान लो जो हमारा बिगर स्टेट है लाइक like इंडिया इंडिया इसराइल से बात करें तो दैट इज दट इज डिप्लोमसी बट मान लो पंजाब इजराइल से डील करने लगे या हरियाणा से डील करने लगे दैट वुराट सब स्टेट एंटिटी पॉलिसी कैपेसिटी दिस वुड बी दी आइडिया ऑफ पैरा डिप्लोमेसी और अभी रिसेंटली अभी एक पैरा डिप्लोम पैरा डिप्लोमैटिक अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड इसलिए सो इंडिया इजराइल फर्स्ट इंडस्ट्रियल आर एंड एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड

Defense: May India is the largest buyer of military equipment from Israel. Barak 8 missile, Spike missile, Heron unmanned aerial vehicle, Spider, Spider, Spyder. Spyder -E this is a surface-to-air missile that we have bought from Israel. We have also bought the S-400, that is from Russia. ओके नाउ इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग इसराइली एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजीज लाइक हार्टिकल्चर माइक्रो इरगेशन इसराइल काफी ज्यादा वाटर स्केर है दे हैव अबाउट टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉर एवरी सिटीजन इंडिया में अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड सेवनटीन हंड्रेड के आसपास ये फिगर है बट स्टिलइल वॉटर मैनेजमेंट इज वे वे बेटर तो वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दें थिंग्स लाइक ग्रे वाटर मैनेजमेंट थिंग्स लाइक माइक्रो इरगेशन हम इजराइल से सीख रहे हैं देन पैरा डिप्लोमसी अगेन सी वॉटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश ने साइन किया है विद इजराइल अब देखो जब आप ये चीज पढ़ रहे हो यू रिमेंबर दिस फॉर योर मीस राइट अगर वाटर स्केरसिटी पे क्वेश्चन आता है दिस इज वंडरफुल पॉइंट एट योर कम्प्यूटर्स विल नॉट राइट तो ऐसी चीजें हम याद रखते हैं दिस इज वॉट इंटरकनेक्शन ऑफ नॉलेज इज राइट एंड डोंट वारी आई विल भी हेयर टू हेल्प यू फॉर येल नाउ अब हम बात करते हैं इसराइल की जोग्राफी की यहाँ पर एक छोटी सी सी है सी ऑफ गैली Ed, this is between Israel and Golan Heights. Now, what is Golan Heights? What is I'll tell you this entire story of Israel-Palestine in short. Basically, there is a dispute regarding the existence of Palestine, which or Palestine, which is mainly an Arabic-Islamic country, and Israel, which is a Jewish country. Dekhon, hume iske bod, uh, bilkul, uh, basics pe we don't have to go to its exact origin. It is, uh, like it is connected with the Second World War, the British colonization of this region. But that are basically around what is happening right now. So there are three areas: there is the Golan Heights, there is the West Bank, and there is the Gaza Strip. These are controlled by Palestine or Palestine. So Palestine is not recognized as a country. Israel says that this is their territory, and Palestine says that no, we are also an independent country. So some uh, say that there are two states here. there is israel and palestine and israel says no we are the only state here two state solution is also a PYQ. y ye bhi pucha hua hai ki kiske context me hame israel ki geography bhi padni hai here you see there is the dead sea between israel and jordan and this dead sea this Je dead sea basically is has a very high salinity right so you cannot sink in the dead sea अब अगर आप याद कर पाओ pao geography ncrt se to remember which is the lake in the world which has the highest salinity iska naam v se start hota hai right okay

sorry just a second yeah there is a gulf of okay i don't know what is happening just a second yeah so there is a gulf of suez the gulf of suez then leads to the suez canal suez canal connects mediterranean sea and red sea okay, okay. here there is gulf of aqaba aqaba is a city in jordan this is jordan jordan ki capital is amman this is the west bank here golan heights and here there is the gaza strip now the red sea इफ यू लुक एट द रेड सी रेड सी एक तरफ तो थ्रू दिस गल्फ सुज कने वर्ल्ड इंपॉर्टेंट वाटर वे बिकॉज इस यूरोप एंड एशिया देन रेड सी से आगे यहाँ पे है बाबे मंडप स्ट्रेट एंड इट लीड टू द गल ऑफ ईडन दैट इज नॉट शोन इन दिस मैप यान सी रेड सी दिस इज द बाबे मंडप स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ ईडन अब इसको याद करने का एक बहुत ही गंदा निमोनिक है जिसके लिए आप मुझे बिल्कुल जज नहीं करेंगे द निमोनिक इज बाबा रागा. okay? सो बाबे मंडप स्ट्रेट कनेक्ट द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ ईडन गल्फ ऑफ ईडन बाबे मंडप स्ट्रेट रेड सी हमने जिबूटी देखा था पहले जिबूटी इज दिस दिस कंट्री हेयर वेट चाइना हैज अ फॉरेन बेस तो बाबा रागा से आपने याद कर लिया बाबे मंडप स्ट्रेट हेयर कनेक्टिंग द रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन गल्फ ऑफ सुज कनेंग मेरिटेनियन सी एंड फाइनली रेड सी यहाँ पे दिस इज द सुज कैनाल विच इज ओन बाई इजिप्ट Now, अब हमें क्या याद करना है कि ये जो रेड सी है रेड सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं रेड सी के बॉर्डरिंग कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो इसका निक है देसी डी डबल एस डी डी डबल एस वाई तो डी से देर इज जिबूटी ये हमने पहले ही देख लिया ई e से देर इज इथोपिया एंड देर इज इजिप्ट एंड रेड सी मेंउदी अरेबिया एंड सूडान एंड वाई से देर इज यमेन सो रेड सी की कंट्रीज इफ यू है

गल्फ कॉल द पर्शियन गल्फ यहाँ पे ईरान भी बॉर्डर है सो पर्शियन गल्फ इज देयर देन देर इज द स्ट्रेट ऑफ हारमोज एंड इज द गल्फ ऑफ ओमान तो इसको करने का नुमानिक पी एस जी दिस इज द क्लब वेयर द ग्रेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड मेसी प्लेस देर इज पर्शियन गल्फ एस से स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड जी से गल्फ ऑफ ओमान तो ये जोग्राफी इंपॉर्टेंट है नॉर्ट ऑफ क्वेश्चन द लास्ट ईयर सो हमने थोड़ी सी मैपिंग भी कवर कर ली है राइट ओके नाउ palestine and israel have been fighting a war since a long time um, this west bank is the region that is controlled by the palestinian national authority then there is the gaza strip this is controlled by hamas and hezbollah these are two sort of terrorist organizations but i would not call them that i don't want to get into that controversy and then there is the golan heights jab war between the arab states and israel israel has occupied these territories राइट right? तो बस आपको इसकी जोग्राफी याद होना जरूरी है इससे ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिल्म के लिए राइट सो दिस रीजन दिस वेस्ट बैंक इज वेयर द मेन लिव पे क्या हो रहा है दैट इजराइल इज बिल्डिंग तो इसराइल धीरे धीरे ट्राई कर रहा है कि सेटलमेंट्स बिल्ड कर करके वी विल ऑक्यूपाई वेस्ट बैंक एंड देन दे विल क्लेम एंटायर वेस्ट बैंक रिसेंटली ने क्या किया था उनकी जो ओल्ड कैपिटल थी उसका नाम था टेल अवीव दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम टेल अवीव टू जेरोसलम जेरूसलम इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल तो अगर वो कैपिटल करके दे आर इंक्रीजिंग देयर क्लेम वाई केम इन शिफ्टी फ्रॉम तेलवीव टू जेरोसलम ओके नाउ सो वीडरस्टूड गोलान हाइट्स हेयर गाजा स्ट्रिप हेयर एंड वेस्ट बैंक हेयर अब थोड़ी सी और जोग्राफी हमें देखनी है कि इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है तो so, इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज का निमान है सेजल तो इफ यू सी हेयर देर इज सीरिया देर इज इजिप्ट हेयर ये इजिप्ट है

या आइसिस इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक राइट सो दिस दिस अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है इसके बारे में, सो रीज़न ओनली द सी दिसको सीरिया तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछ चुके हैं नाउ टू स्टेट सोल्यूशन जैसे आपको बताया था बिलीव देर आर टू स्टेट्स ऑफ इजराइल एंड फैलस्तीन

You know, concerned with Tamilian rights in Sri Lanka, the Arabic people are concerned with the rights of the Palestinians. But up, what is Because of geopolitical realities, Arabic countries have started to recognize Israel. One of that is the Abraham Accord, where UAE and Bahrain, two Arabic countries, they normalized their ties with Israel because of being backed by USA. USA brokered this deal, and this was called the Abraham Accord. Again, two-state solution. Again, in the same respect of the Palestinian state. एंड अन इजरायली स्टेट देर इज द कॉन्फ्लिक्ट इसराइल नहीं है सारी टेरिटरी हमारी है द पेलेनियन से नहीं बोथ कंट्रीज शुड एग्जिस टुगेदर इसके आप इसके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन रीड इफ यू वांट टू प्रेम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर योर क्यूरियासिटी एड रिकमेंड के थोड़ा बहुत देख लेना एक दो टर्म यहाँ पे और हैं देर इज द कैंप डेविड अकॉर्ड दिस इज अ पीस प्रोसेस दैट वॉज इस्टिश बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्तीन देर इज द कैंप डेविड अकॉर्ड्स एंड देर इज दलो अकॉर्ड्स

Sufferings that Jews had suffered in the Second World War. So, there is a right of return. So, the Jews have a right to return to Israel. But technically, they have violated the right of return of the Palestinians. Again, don't need to go into that detail.

so this west asia right whatever we are doing with west asia is for food security west asia ko humse ye fayda hai ki unko india se food security milti hai aur india ko bhi fayda hai ki india ko milti hai humse energy security we get fuel from them so this is a mutually beneficial relationship also we have lot of diaspora here आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडियन लोग especially from the southern states do go to west asia to work right So there are we have diaspora also, we have the interest of energy security, and they have interest of food security. That is why there is a lot of convergence here. So we have made a India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council. Now, there is also a Middle Eastern Green Initiative, and this summit was held recently. It, this, is, this is basically a Saudi Arabia led regional dialogue on climate in the Middle East North Africa region. उदी अरेबिया विद साउदी अरेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होगा पोलिटल कॉपरेशन सिक्योरिटी सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कल्चरल एक्सेट्रा ओके ना वॉट आर दी फैक्ट्री विद रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया हमने यहाँ पे जोग्राफी देख ली वी सॉ गल्फ ऑफ द रेड सी, द गल्फ ऑफ़ द पर्शियन गल्फ, राइट तो अब सऊदी अरेबिया इंडिया को हाइड्रोकार्बन सप्लाई करता है ऑयल सप्लायर है ये तो हमें पता ही है एंड वी आर इम्पॉर्टेंट फॉर दम वाई ए बिकॉज वी हैव एक्सपेट्रिय आर गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड लिविंग इन साउदी अरेबिया सेकंडली वी ऑल्सो हैव फूड सिक्योरिटी कंसर्न सऊदी अरेबिया के जो फूड सिक्योरिटी कंसर्न वो भी इंडिया एड्रेस कर सकता है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसीवर्स ऑफ रिमिटेंसिस बाहर से बहुत सारा पैसा इंडिया में आता है बिकॉज लॉट ऑफ आर डायस्राव अब्रॉड वी ऑल्सो इ माइग्रेट सिस्टम एंड देव अकमरी आर अलाइंट देर इज कल्चरल बिकॉज इंडिया इज अज मुस्लिम पॉपुलेशन एंड मेका दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट इस्लामिक सिटीजर इन सऊदी अरेबिया कोऑपरेशन दट वी हैव साइंडी अरेबिया

सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इसी लेक्चर में हमने सीईपीए किसी और हमने किसी और कंट्री का भी सीईपीए देखा था जस्ट ट्राई एंड रिकॉल सीईपीए क्या होता है गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा ना वॉट आर रूल रिजन अब मान लो हमने इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड किया है राइट right? हमने कहा कि सीईपीए मान लो चाइना पहले कोई गुड यूए भेजे और फिर यूए से इंडिया भेज दे इंडिया का डायरेक्ट तो चाइना से कोई लिंक नहीं है बट दिस वुड बी सब दैट ना हमने चाइना पे ड्यूटी लगानी है वी डोंट वांट चाइनीज गुड्स टू एंटर द इंडियन मार्केट बट यू के गुड्स वी वांट टू एंटर द इंडियन मार्केट चाइना क्या करेगा पहले गुड यू भेजेगा यू से इंडिया आ जाएगा सो वी यूज अ टर्म कॉल्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन हम गुड पे ये देखते हैं कि ये गुड एक्चुअली कहाँ से आया है फॉर दैट वी सी दी ओरिजिन ऑफ इट अब अगर वो चाइनीज ओरिजिन का है तो अपलाइंग रूल्स ऑफ ओरिजिन वो वर्ल्ड में कहीं से भी आए उस पर वही रॉस लगेंगे जो हम नॉर्मली बाकी चाइनीज गुड्स पे लगाते हैं दिस इज द रूल्स ऑफ रिजन तो वी आर मेकिंग द सी ए पी ए ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स को भी फायदा हो यूएई को भी फायदा हो इम्पोर्ट ड्यूटी कम होसेट्रा एसेट्रा एंड इट प्रोवाइड्स परमनेट सेफ गार्ड मैकानिजम टू डील विद सडन सर्ज ऑफ इम्पोर्ट इन एनी प्रोडक्ट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मान लो एकदम से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट किसी चीज का बढ़ गया देन यू कैन पुट आउट सेफ्टी एंड यू कैन से अब हम मैकेजमांट ड्यूटी लगा रहे हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज आर मेनली पुट टू प्रोटेक्ट आर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्री नाउ हियर इफ यू रेड सीई पी ए गो टू इकोनॉमी एंड ऑल्सो रिवाइज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज ऑल राइट Now, what are the key relationships? There is a third biggest trading partner. Okay, we have operation Desert Eagle for maritime cooperation and they are all committed to fight extremism and all forms of terror. UAE also has a lot of Diaspora. You have seen I that a lot of Indian citizens they go and live in these countries and they invest and they um, and they work there. So they send back remittances to India. We have launched their nano-satellite called Naif-1 एन पी सी आई मैंने आपको बताया था भीम यू पी आई एंड दिस इज इन द न्य अलॉट तो इट इज नाउ ऑल्सो वर्किंग अक्रॉस दू पी आई इज ऑल्सो वर्किंग इन भूटान नेपाल एंड ऑल्सो भी हो गया है राइट एंड वी सीन दिस हैोग्राफी ऑल्सो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंडर दर इज जी गल्फ ऑफ ओमान पी एस जी नाउ इंडिया ने यहाँ पे हमने यू ए ई के साथन हमारी बहुत थी

सो इफ यू लुक एट दिस इज ऑल्सो अटल तो लोग इसे वेस्ट एशियन क्वाड कह रहे हैं बट दी ओनली थिंग इज कॉलिंग इट अ वेस्ट एशियन क्वाड के भाई इंडिया इज मेकिंग मिलिटरी टाइज एंड ट्राइंग टू काउंकरउंटर अस सॉरी बट देर इज नो मिलिटरी एंगल इन आई टू यू टू कौन कौन से एंगल बताऊंगा इट इज एन इंटरनेशनल फोरम टू डिस्कस कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एक्सेट्रा

FHS. So, what is the areas of cooperation? W say water, E say energy, T say transport, F say food, H say health, and S say space. So, Wet FHS, and they are trying to mobilize private sector capital and expertise. Now, there is the Gulf Cooperation Council. Gulf Cooperation Council is a political and economic alliance of six countries in the Gulf region, and they are trying to coordinate and interconnections and do.

इसमें यू है एंड यू के साथ वी हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच इज इवन बिगर दैन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बट विद ऑर्गनाइजेशन एज अ होल वी डोंट हैव इट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी रिमिटेंसिस एक्सपेट्रिएट्स ये बात हम कर चुके हैं सेम चीज हर गल्फ कंट्री पे अप्लाई होती है एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर हियर व्हाई इज इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर जीसीसी फूड सिक्योरिटी इंडिया जितना ज्यादा फूड ग्रो करता है इंडिया एक्सपोर्ट्स फूड ये डेजर्ट रीजन है गल्फ में राइट दीज डेजर्ट रीजन डोंट ग्रो देयर फूड वेल बट इंडिया दे कैन गिव इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी अब वेस्ट एशिया की अगर हम कंट्रीज देखें वी हैव ऑलरेडी सीन वेस्ट बैंक जो प्लेसेस इन न्यूज है वेस्ट बैंक देख चुके हैं मेडिटेनियन से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? उसका निमोनिक था लिस्ट एल आई एस टी ये देखो यहाँ पे टर्की भी है इजराइल uh, से कौन-कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं उसका नाम नहीं था सेजल बस ये मत पूछो सेजल कौन है राइट देन देयर इज जॉर्डन देयर इज सीरिया दीस आर इन द न्यूज़ रेड सी के आसपास की ज्योग्राफी वी हैव सीन हियर कतार इज लोकेटेड एंड लेट्स सी नाउ इन ये क्यों न्यूज़ में है और इसके आसपास में क्या पढ़ना है तो पहले जो टर्की है राइट वी हैव टू रीड टर्की हियर तो अगर तुर्की या तुर्की है द नेम हैज चेंज देक हेर ऑल्सो यहाँ पे आपका वॉर भी चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन तो यहाँ की ज्योग्रफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो मैं आपको थोड़ी बहुत जोग्राफी बताता हूँ हेयर इज द सी ऑफ अजोट का नाम क्या है इस स्ट्रेट का, का नाम क्या है इस सी का नाम क्या है इस सी का नाम क्या है ये हम अभी देख रहे हैं राइट दिस स्टेट आर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर तो सबसे पहले हेयर देर इज दी ऑफ अजॉफ एंड देर इज द कोर्च स्ट्रेट दिस इज टर्की दिस इज रशिया एंड यूक्रेन

All called मिलाके the Turkish Straits. पहली कौन सी स्ट्रेट देखिए हमने कोर्ट स्ट्रेट कनेक्टिंग सी ऑफ अज़ोब एंड ब्लैक सी, then we saw this strait here which is this strait. This is the here we, we can see Bosporus strait and then sea of Marmara to Aegean Sea. This is the Dardanelles strait. So this is the Dardanelles strait and Aegean Sea finally into Mediterranean. अब इसको भी as usual हम mnemonic से ही याद करेंगे. So we'll remember एक एक is Aegean Sea, Dard Dard से Dardanelles strait से डांडेले स्ट्रेट से मरे दर्द से मरे मरे मीन डेथ सी ऑफ मरमरा बॉस बॉस मीन स्ट्रेट के ब्लैक डेथ का राज एक दर्द से मरे ब्लैक डेथ एक दर्द से मरे बॉस के ब्लैक डेथ का राज प्लीज डोंट जज मी विद दिस विदॉन एक्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक बट देबर सो वी स्टार्ट विदिंसीन दर्द से डांडेले स्ट्रेट टू तो द मरमरा

This region you need to know. Alright. Up the news. Tha? Red Sea was in the news, right? US Navy has created a task force here. Is kehamne they clear Double, -double, -double -s -y. for Red Stray, uh, Red Sea. This we have already seen. Gulf of Suez, Gulf of Aqaba, Babi Mandab Strait. We have also seen now. West Bank. We know what West Bank is. West Bank is that Palestinian territory, and Israeli court has now said that you evict 1000 Palestinians from West Bank. Bata diya, Israel is trying to make settlements here they're trying to settle in the west bank claim the entire area so this also we understand now nagorno-karabakh nagorno-karabakh is a region between armenia and azerbaijan i'll just show you in the map so this is a region between armenia and azerbaijan and the minsk group was created by the osce to monitor this armenia and azerbaijan pe conflict Nagorno-Karabakh

अबाउट इट वॉज अबाउट सेवेंटी टू एट्टी मिनट्स मे बी एट्टी मिनट्स का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया एंड द एवरेज पर्सन यू रेड ओनली फॉर टेन मिनट्स राइट सो दिस इज दी एवरेज फोकस पैन एंड आई एम नॉट बोस्टिंग बट आई डोंट थिंक दट लेक्चर वॉज बोरिंग या उसमें मैंने कुछ ऐसी फालतू की चीज पढ़ाई आई थिंक वॉज प्रेटी इंटरेस्टिंग अगर आप सीरियस बन के उसे पढ़ना चाहते हो तो यू कुड एटलीस्ट वॉस्टेड फॉर फोर्टी मिनट्स राइट बट दिस वॉज द एवरेज यू डुरेशन जस्ट टेन मिनट्स राइट सो इफ यू हैव रीच्ड हेयर Till the end of this second lecture where i and it honestly i'm sure you can understand how much effort it takes so i would just write you to want i uh, want you to write in the comments i have good attention span if you write this in the comments it will show me that you are serious and it will also give me uh, you know certain good feelings that people are also watching lectures till the end not everybody checks out only in 10 minutes thank you for watching we'll upload a part 3 next आई थिंक उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा इफ नॉट आई अब लोड अ स्मॉल पार्ट फॉर ऑल्सो बट डोंट वरी वील बी डन विद पीटी सी सिक्सटी फाइव सुन आई होप आपको समझ आ रहा है आई हो आपको याद हो रहा है जोग्राफी की मैपिंग साथ साथ में सो यू कैन डू दैट टू इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन सब के निमानिक्स भी मैं आपको साथ में करा रहा हूँ तो दिस वुड बी इनफ इससे ज़्यादा आई आ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाहर का क्वेश्चन आता है तो देन मे बी यू कैन यूज योर पास्ट नॉलेज बट वी कांट इन्वेस्ट दिस मच टाइम एंड आई आर विल जस्ट टू पी डी थ्री सिक्सटी फाइव वेल विल डू ऑल दी रीजनज वेल दैट वी आर डूइंग एंड विल कवर इट इन पार्ट थ्री नेक्स्ट टाइम एंड मैक्सम वन पार्ट फोर एंड दैट वुड बी डन ऑल राइट थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम